हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लौकी से बहुत ही बढ़िया रेसिपी। जो बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए यह रेसिपी बहुत ही अच्छी है। अगर आपके बच्चे लौकी खाना या आपके घर में कोई भी मेंबर है वो लौकी खाना पसंद नहीं करता हो, तो मेरे तरीके से आप ये रेसिपी बनाइएगा। आपके बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे और बार बार कहकर बनवाएंगे आपसे। तो देखिए, मैंने ये हाफ लौकी ली हुई है अब मैं इसे पील कर लूँगी। इससे पहले इसे पील कर, लौकी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ग्रीन जो भी वेजिटेबल होते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे ही होते हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में ये ज़रूर शामिल करने चाहिए। तो देखिए, मैंने इसे पील कर लिया है। इसे क्रश कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कद्दूकस ले लिया है। कद्दूकस का जो मोटे वाले की तरफ से आप इसे क्रश कर लीजिएगा, बारीक की तरफ से क्रश मत कीजिएगा। तो देखिए, मैंने जहाँ से ये मोटी है उसी तरफ से मैं इसे क्रश करूँगी। तो देखिए, मैंने अपनी लौकी के 2 पीस कर लिए हैं। और आप इसके बीज बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि इसके बीज काफ़ी कच्चे हैं, तो इन्हें भी मैं साथ में ही क्रश कर लूँगी। तो देखिए, मैं इसे धीरे धीरे क्रश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने लौकी के बीज पके हुए लगे या फिर मोटा बीज लगे तो आप इन्हें निकाल लीजिएगा। मैंने ये इसलिए नहीं निकाले क्योंकि यह है काफ़ी कच्चे और छोटे बीज थे, इन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लौकी ले सकते हैं। मैंने ये 1/2 kg लौकी ली हुई है। लौकी में काफ़ी पानी होता है, इसलिए आप जब ये रेसिपी बनाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ। और अब हम लेते हैं इस प्रकार का एक चॉपर, जिसमें मैं लहसुन की कलियाँ, ये 2 से 3 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। और ये हरी मिर्च है 5 से 7। और अब हम एक ऑनियंस को कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये बड़ा प्याज मैंने ले लिया है, बड़ा ऑनियंस ले लिया है। अब इसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं अपने इसमें डाल लूँगी क्रशर में। अगर आपके पास धनिया हो तो वो भी आप इसमें डाल लीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है काफ़ी बारीक क्रश हो गई है। ये मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। और जो लौकी है उसे हम थोड़ा सा दबाकर इसमें से पानी निकालेंगे, आई मीन स्क्वीज कर लेंगे, जिससे कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और जो डो हम तैयार करेंगे वो पतला ना हो। और जो ये लौकी में से पानी निकला है इसे आप फेंकेंगे नहीं। जब आपको ऐसा लगे कि आपके इस डो में पानी की आवश्यकता है तो तब इसे आप यूज़ कीजिएगा। अब इसी में जो मैंने मिर्ची और ऑनियंस क्रश किए थे वहीं डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अब डालूंगी कुछ मसाले। मसालों में मैंने ली हुई है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए, स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी आटा। जितने आपकी फैमिली में मेंबर हैं, जितना आप आटा गूंथते हो उतना आटा डाल लीजिएगा। और इसका फ्लेवर अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें अब 1 बड़ा चम्मच बेसन डालूंगी। ये मैंने बेसन लिया हुआ है, इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन का डाल दिया है। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी अब थोड़ा सा घी। तो देखिए, 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी आपको बाद में ही डालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लौकी में पानी होता है, तो आप बिना ही पानी के इसे गूंथने की कोशिश करें आटे को। धीरे धीरे लौकी में से पानी निकलता ही रहता है, इसलिए आप इसी का अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आप इसे गूंथ कर रखेंगे तो भी इसमें से थोड़ा थोड़ा लौकी में से पानी रिलीज होता रहेगा। तो देखिए, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, आप देख सकते हो हमारी लौकी में हमने स्क्वीज करने के बाद भी पानी बचा हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। अब इसी पर हम अपना लौकी का पराठा बनाएंगे। तो तब तक हम एक साइड में अपना तवा भी रख देते हैं। तो देखिए, अब हम रोटी जितना इसमें से आटा लेंगे, जो हमने डो लगाया था लौकी का। और फ्रेंड्स, ये आटा आपका बहुत ही पतला होता चला जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था लौकी में से पानी निकलता रहता है। तो आप इसे बड़े हल्के हाथों से बेल लेंगे। फिर
फ्रेंड्स, लौकी के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनते हैं। तो देखिए, मैंने अपने तवे पर डाल दिया है, आप देख सकते हो। अब इसी प्रकार हम दूसरी लोई भी लेंगे और इस पर सूखा आटा लगाकर बेलेंगे। और अब हम धीरे धीरे अपने पराठे को पलट देते हैं। देखिए आप, इसका कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। वो आप इसे अपने तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप इसे चकूटे का बनाना चाहो तो चकूटा भी बना सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल बना रही हूँ इसे। फ्रेंड्स, एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये आटा लगाने के बाद आपको बहुत ही जल्दी ये पराठे बनाकर तैयार करने हैं, वरना जितनी देर तक आप इस आटे को रखे रहोगे उतना ही आपका आटा लूज होता चला जाएगा, क्योंकि लौकी में जो नमक डलता है तो यह काफ़ी पानी रिलीज़ करती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो देखिए, ये पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं इन्हें दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा लौकी का पराठा बनकर तैयार हो चुका है, यह कितना बढ़िया बना हुआ है। अब इसी प्रकार मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी। आपको धीरे धीरे सभी पराठे इसी प्रकार बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, मैंने इस पर घी लगा लिया है और अब इसे मैं पलट लूँगी। धीरे धीरे आपको अपने सभी पराठे इसी प्रकार बना लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी लौकी के पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप देख सकते हो, ये मैंने इसमें थोड़ा रायता रख दिया है। रायते पर हल्की सी हम मिर्च डाल देते हैं ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। और तो देखिए, हमारे लौकी के पौष्टिक और बहुत ही बढ़िया पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए, मैं इसे इस प्रकार अपने प्लेट में रख लेती हूँ। लाजवाब लौकी के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, एक बार इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन्हें एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बने हुए हैं। और साथ में हम इसके खाएंगे अचार। देखिए, मैंने एक तरफ अचार रख लिया है। देखिए, हमारे लौकी के पराठे कितने बढ़िया और कितने अच्छे दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, लौकी हमारी सेहत के लिए जैसे कि फ़ायदेमंद होती है, तो अगर आपके बच्चे लौकी की सब्ज़ी, लौकी का रायता और कुछ भी खाना पसंद नहीं करेंगे तो वह पराठे बड़े ही खुश होकर खाएंगे, क्योंकि बच्चों को पराठे ही बहुत पसंद आते हैं। तो ये आज मैंने आपके लिए हेल्दी पराठे बनाए हुए हैं। तो देखिए, मैं इनमें से एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखिए, यह कितने बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। यह काफ़ी सॉफ्ट भी बनते हैं। एक बार आप इसे एंजॉय जरूर कीजिएगा। वाह, यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुए हैं।